नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में बिजली महंगी, बोर्ड का बजट भी घटा। घटिया दवा मामले में जांच के आदेश, 15 दिन में मांगे रिपोर्ट। 10 दिन में 500 नए बस रूट फाइनल करेगी सरकार। 123 पदों के लिए 10,000 युवा देंगे टेस्ट, प्रदेश में 9 केंद्र। और नेशनल योग ओलंपियाड में हिमाचल ने जीते 4 गोल्ड मेडल। प्रियंका साहिल बने हिमाचल की आवाज, धर्मशाला में सीजन 7 के ग्रैंड फिनाले में मारी बाजी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में बिजली महंगी हो गई है। घरेलू बिजली उपभोक्ता की एक श्रेणी को छोड़कर शेष अन्य में 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। साल का नया बिजली ट्रैफिक 1 जुलाई से लागू होगा, जो हर बार 1 अप्रैल से लागू होता था। नए ट्रैफिक के मुताबिक 0 से 60 यूनिट तक सब्सिडी के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट मिलेंगे। इसके विपरीत 0 से 125 यूनिट तक सब्सिडी के बाद 1 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट लिए जाएंगे। दूसरी ओर जो ग्राहक इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर पंपिंग सप्लाई के तहत आते हैं, उन्हें 0.25 पैसे प्रति किलो वाटर प्रति घंटा की दर से कम की गई है। जिन उद्योगों को ईएचटी लाइन में बिजली की सप्लाई होती है, उनकी दरों को बढ़ाया गया है। उधर नियामक आयोग ने बोर्ड को 1,094 करोड़ की कम राशि मंजूर की है। ब्लैकलिस्ट दवा कंपनियों से दवा खरीद मामले पर प्रदेश सरकार ने जाँच के आदेश दिए हैं। विशेष स्वास्थ्य सचिव को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 15 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि यदि कंपनियों ने शपथ पत्र में विभाग को धोखा दिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौर हो कि दिव्य हिमाचल ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिस पर यह बड़ा एक्शन होने जा रहा है। बंजार बस हादसे के बाद प्रदेश सरकार के पास ओवरलोडिंग सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। इस प्रकार प्रदेश सरकार ने 10 दिन के भीतर 500 नए रूट फाइनल करने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने इस बार दावा किया है कि अभी सरकार ने 124 नए बस रूट प्रकाशित किए हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर आवंटित किया जाएगा। मंत्री ने तो यहाँ तक दावा किया है कि छोटे लिंक रूट्स पर टेम्पो टैक्सी सेवाएं चलाई जाएंगी। अब मंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है, यह भविष्य में ही पता चल पाएगा। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। एटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बडू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड 123 पदों के लिए कल यानी रविवार को 10,000 युवा टेस्ट देंगे। इसके लिए प्रदेश भर में 9 सेंटर स्थापित किए गए हैं। यह परीक्षा 85 अंकों की होगी। पिछले 10 जून से चल रहे ग्राउंड टेस्ट 23 जून को पूरे हो गए हैं। परीक्षा OMR शीट पर होगी, जिसमें उम्मीदवारों को सही उत्तर का जवाब ब्लैक या ब्लू पेन से देना होगा। इस परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को 15 नंबर के पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें उम्मीदवारों को शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। सब ठीक रहा तो हिमाचल में 4 जुलाई तक मानसून एंट्री कर जाएगा। इसके बाद 5 से तेज बारिशों का दौर शुरू होगा, यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अनुसार मैदानों में 1 जुलाई तक मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 4 और 5 जुलाई को तेज बारिश हो सकती है। उधर मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि मैदानों में 1 तक धूप खिली रहेगी। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में हल्की बौछारों ने गर्मी से कुछ हद तक राहत दी है। और अब वक्त है खेल समाचार का। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में हिमाचल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली में हुई स्पर्धा में हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके लिए प्रदेश को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों से 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतिभागियों में जोरदार कंपटीशन हुआ। टीम में हमीरपुर से नैन्सी, सोलन से हिमानी और मुस्कान व ठियोग से नीलांशी ने भाग लिया। टीम के साथ नर्मदा सूद कोच और सुनील कुमार मैनेजर के रूप में शामिल हुए। इस शानदार कामयाबी पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल ने प्लेयर्स को बधाई दी।
विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। कुल्लू के ढालपुर मैदान में मीडिया पार्टनर दिव्य हिमाचल के ट्रेड फेयर में एक छत के नीचे जिलावासियों को घरेलू उपयोग के साथ अन्य सारा सामान मिल रहा है। इस मेले में खरीदारों की भीड़ लग रही है। वहीं जिला के जिन लोगों को मेले का पता नहीं है वे इन दिनों आकर यहां शॉपिंग कर सकते हैं। यहां गुजराती हैंडीक्राफ्ट, प्लाजो, कुर्ते, फुलकारी सूट, डोरमैट, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, लेडीज टॉप, पर्स, बच्चों के खिलौने, ज्वेलरी, चूर्ण, सुपारी आदि उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सोलन की प्रियंका ने हिमाचल की आवाज़ सीजन 7 का खिताब अपने नाम कर लिया है। धर्मशाला पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में ग्रैंड फिनाले के दौरान 27 प्रतिभागियों में जोरदार कंपटीशन के बाद उन्होंने सीनियर वर्ग में यह खिताब जीता है। जूनियर वर्ग में ऊना के साहिल विजेता रहे। सीनियर वर्ग में शिमला के ईशांत दूसरे स्थान पर रहे। कांगड़ा के अभिमन्यु तीसरे नंबर पर रहे। जूनियर वर्ग में सोलन की रितिका दूसरे नंबर पर रही। वहीं हमीरपुर की गरिमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा जेके शर्मा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति विशेष अतिथि रहे। दर्शक सीट छोड़कर झूमने लगे और सारा पंडाल सीटियों से गूंजता रहा। लोक गायक हंसराज रघुवंशी के गीतों पर कुछ ऐसा ही आलम था धर्मशाला पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम का। हिमाचल की आवाज के ग्रैंड फिनाले पर जैसे ही लोक गायक हंसराज मंच पर पहुंचे तो दर्शकों ने जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। इस पर रघुवंशी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने मेरा भोला है भंडारी और यारा तेरी यारी को जैसे गीत गाकर हर किसी को मदहोश कर दिया। बहरहाल प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के एक और मेगा इवेंट्स ने पूरे प्रदेश का मन मोह लिया। और अब चलते चलते मुंबई से लौटे सीएम, अब दिल्ली की तैयारी, 10 को होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महंगे उपकरण की खरीद पर आयुर्वेद विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। पुलिस के 29 एसआई बने इंस्पेक्टर, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर ऑर्डर जारी। और 4 आईपीएस ऑफिसर केंद्रीय डेप्यूटेशन पर जाने को तैयार, विभाग के सामने मुश्किल। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं हंसराज रघुवंशी की यह हिमाचली पेशकश। अम्मा जी मानी जाना सोरे आंद दे सोरे देश लगना ना दे। अम्मा जी मानी जाना सोरे आंद दे देश लगना ना दे। अम्मा जी मां दिया ठंडिया छावारे पल सौरे देश लगना ना दे। दीवाड़ी मम्मी जी मां
लगना ना दिल। आज के बुलेटिन में इतना ही, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।